वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ के फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप के आयरन मास्टर के कैरेक्टर्स के साथ ही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके जो उसकी बेटी है एडला और आयरन मास्टर में कंपेयर करना, उनमें कंट्रास्ट करने वाला और साथ ही इस आयरन मास्टर के कैरेक्टर से बनने वाले 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस प्लस 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और भी कोई भी क्वेश्चन इस मैटर से बने आप उसका आंसर बनाकर आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आयरन मास्टर के आपके परिचय से शुरू किया है, उसका इंट्रोडक्शन। द आयरन मास्टर वॉज द ओनर ऑफ रम्सजो आयरन मिल, यानी कि रम्सजो आयरन मिल लोहे की एक मिल थी, उसका मालिक था वो आयरन मास्टर यानी लोहपति जिसको कहते हैं, यानी लोहे के कारखाने का मालिक था। हिज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, उसकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि अच्छी क्वालिटी का लोहा वो मार्केट में सप्लाई करे। ही हैड रेगुलर विजिट्स टू द फोर्ज फॉर इंस्पेक्शन, वो क्या करता था रेगुलर उसका जो फोर्ज था यानी कि जो लोहा ढालने की उसकी जो फैक्ट्री थी वहाँ पर रेगुलर विजिट करता था इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण के लिए। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज विजिट्स एट नाइट ही सॉ द पेडलर, उसके विजिट्स के दौरान एक विजिट के दौरान रात में किसी विजिट के दौरान उसने फेरी वाले को देखा था। अब यहाँ से तो हमने क्या किया, ये द आयरन मास्टर का आपका पूरा मैटर लिखा है। ये जो एडला से उसका कंपैरिजन है इसके लिए स्टूडेंट्स को बार बार अलग से मैटर याद नहीं करना पड़े। हमने आपके पिछले वीडियो में एडला का कैरेक्टर स्केच बनाया था और उसमें जो हमने आपके वर्ड्स लिए थे, जो लाइंस ली थी, बिल्कुल सेम टू सेम उसी मैटर को हमने यहाँ लिख दिया है। बस ध्यान ये रखा है कि इन दोनों में जो कंपेरिजन है वही लाइन्स हमने यहाँ लिए, मैंने एक वर्ड भी अलग नहीं लिखा है ताकि आप लोगों को लिए अलग से एडला का याद न करना पड़े। और जो आप लोग एडला का कैरेक्टर स्केच याद करेंगे वही चीज मैंने यहाँ लिख दिए ताकि आपको बार बार अलग मैटर याद नहीं करना पड़े। बस आयरन मास्टर की लाइन मैंने अलग लिखी है, आइए समझ लेते हैं कैसे लिख कर आना है। द आयरन मास्टर वॉज अनेबल टू रिकग्नाइज द पेडलर इन द पुअर लाइट एंड मिस्टूक हिम फॉर एन ओल्ड अक्वेंटेंस ऑफ हिम, जो लोहपति था वो फेरी वाले को लाइट बहुत कम थी रात के अंधेरे में तो अच्छे से पहचान नहीं पाया, वॉज अनेबल टू रिकग्नाइज पहचान नहीं पाया, एंड मिस्टूक हिम फॉर गलती से उसे समझा, फॉर एन ओल्ड अक्वेंटेंस ऑफ हिम उसका कोई पुराना परिचित पुराना मित्र उसे समझा, नील्स ओलोप जो उसका पुराना रेजिमेंट का साथी था वो उसने समझा और वो उसके पास गया और उसने क्या किया, ही रिक्वेस्टेड हिम टू कम अलोंग विद हिम, और उससे रिक्वेस्ट की कि उसके साथ घर जाए, बट ही कुड नॉट मेक हिम एग्री टू एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन, लेकिन वो उसे उसका निमंत्रण स्वीकार करने के लिए एग्री यानी सहमत नहीं कर पाया। As the peddler had stolen the crofter's money and he was afraid of being caught, क्योंकि उस फेरी वाले ने crofter का पैसा चुराया हुआ था और वो पकड़े जाने से डरा हुआ था। When he saw the peddler in broad daylight, उसे उसकी बेटी को उसने भेजा, उसे घर ले गई बहलाकर मनाकर, तो जब उस लोहपति ने उसे देखा दिन के उजाले में एट होम घर पर, After the peddler had a bath, जब उसे नहला दिया गया, got a हेयर कट उसकी कटिंग करी, and was shaved और उसकी शेविंग की, तब वो उसे स्पष्ट नजर आया दिन के उजाले में, He was shocked, तो उसे बहुत बड़ा सदमा लगा जब उसे देखा तो, क्योंकि वो उसका मित्र नहीं था, He was not his old acquaintance, वो उसका पुराना परिचित नहीं था। The iron master threatened The peddler to send him to prison. Iron master ने फेरी वाले को threaten यानी धमकाया कि आपको जेल भेजा जाएगा, आपने हमारे साथ चीटिंग की है, धोखेबाजी की है। ये इधर कैरेक्टर स्केच है, मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैंने एडला वाले कैरेक्टर स्केच में आपको समझा रखा है,
तो आप वहीं से इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखें ताकि ये भी याद हो जाएगा ये वही चीज़ लिखी, 1% भी अलग नहीं है। अब मैं आपको सीधा सा इससे बनने वाले क्वेश्चंस के आंसर्स भी समझा देता हूँ। इसमें आपके टोटल 1600 आंसर टाइप क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द आयरन मास्टर विजिट द फोर्ज एट नाइट, यानी लोहपति रात में उसके कारखाने में क्यों आता था। आंसर है, आयरन मास्टर वॉज द ओनर से लेकर फोर इंस्पेक्शन तक, यानी कि द आयरन मास्टर से लेकर फोर इंस्पेक्शन तक आपको ये आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डू यू नो अबाउट द आयरन मास्टर, लोहपति के बारे में आप क्या जानते हैं। व्हाट वॉज हिज एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। सेम आंसर है, एक नंबर का वही सेकेंड नंबर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर थ्री, Why did the owner of the iron mill request the peddler to come to his home? जो iron mill के मालिक थे उन्होंने फेरी वाले से उसके घर चलने को क्यों कहा, इसी का अतवा है। क्वेश्चन नंबर फोर, Why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him home? लोहपति फेरी वाले से इतना दयालुता से क्यों बोला, उसे घर के लिए उसे घर चलने के लिए आमंत्रित क्यों किया। क्वेश्चन नंबर फाइव, Whom did the iron master take the peddler for? लोहपति ने फेरी वाले को क्या समझा, उसे उसने किस रूप में पहचाना। और आंसर है, द आयरन मास्टर वॉज अनेबल से अलोंग विद हिम तक, यानी द आयरन मास्टर वॉज अनेबल से लेकर लिखना है अलोंग विद हिम तक, यहाँ तक आपको इसका आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, Why did the peddler decline the invitation of the iron master? फेरी वाले ने लोहपति का आमंत्रण क्यों मना कर दिया, क्यों ठुकरा दिया, इसका आंसर लिखना है आपको। पहले तो क्वेश्चन में से ही आंसर बना लिया, जैसे वाई डिडट आया और डिडट आया तो डिक्लाइन के डी लगा दिया पार्ट सिंपल में, और ये हमने लिख दिया द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन ऑफ द आयरन मास्टर, फेरी वाले ने लोहपति का आमंत्रण ठुकरा दिया बिकॉज, क्योंकि। फिर हमने क्या किया, द पेडलर हेड स्टोलन से और कोर्ट तक हमने वैसा का वैसा लिख दिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, फेरी वाले को उसकी गलती का एहसास कब हुआ। क्वेश्चन नंबर एट, व्हेन डिड द आयरन मास्टर नो डेट ही हैड मिस्टेकन द पेडलर फॉर हिज ओल्ड अक्वेंटेंस, कब लोहपति को यह पता लगा कि उसने फेरी वाले को अपना पुराना परिचय गलती से समझाए, पुराना परिचित। और क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाई डिड द आयरन मास्टर थिंक डेट द पेडलर हैड डिसीव्ड हिम, लोहपति को ये सा कब सोचा उसने कि फेरी वाले ने उसे डिसीव्ड किया है या चीटिंग की है, धोखा दिया है। क्वेश्चन नंबर टेन, व्हेन डिड द रियलिटी ऑफ द पेडलर कम इन टू लाइट, फेरी वाले की हकीकत कब सामने आई। ये चार क्वेश्चन है, इनका मात्र एक आंसर है, वेन ही सा द से लेकर और प्रिजन तक। आप ही की जगह चाहे तो यहाँ पर संज्ञा पहले लिख दे, वेन द आयरन मास्टर सा द पेडलर, यहाँ पर आप द आयरन मास्टर लिख दें, प्रोनाउन की जगह नाउन लिख दें। अब हम आपके बढ़ते लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, What are the instances in the story that the character of the Iron Master is different from that of his daughter in many ways? वो कौन कौन से instances, उदाहरण हैं कहानी में जो आपको ये बताते हैं कि लोहपति का character, चरित्र उसकी बेटी से कई तरीकों से बिल्कुल अलग है, इसी का अतवा है। क्वेश्चन नंबर 12, Compare and contrast the character of the Iron Master with that of his daughter. उसकी बेटी और लोहपति के बीच में क्या तुलना है, क्या विरोधाभास है, इसका वर्णन कीजिए। और इसी का अतवा है। क्वेश्चन नंबर 13, गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी द रैट्रैप टू शो हाउ द आयरन मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम हिज डॉटर, इस कहानी द रैट्रैप में से उदाहरण प्रस्तुत कीजिए ये बताने के लिए कि लोहपति और उसकी बेटी में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या भेद है। तो आपको आंसर इनका कैसे लिखना है मैं आपके सामने बता रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको, आयरन मास्टर्स डॉटर इज मोर इंटेलिजेंट एंड ऑब्जर्वर देन हिम, ये पॉइंट डालना है टॉपिक। फिर आपको क्या करना है, द आयरन मास्टर वॉज अनेबल से, एक नंबर ये रहा। यहां पर आपकी पहचान के लिए हम
एक नंबर लगा देते हैं ताकि आपको पहचान में आ जाए। ये हमने यहाँ एक नंबर लिखा और यहाँ भी हमने एक नंबर लिखा, ताकि आपको क्या करना है, ये एक नंबर वाला पहले लिख देना है और ये आपको हिम तक लिखना है, फिर इसी में बिना गैप दिए एडला वाला आपको लिखना है और ये आपको लिखना है इंटेलिजेंटली तक पहले पॉइंट में। फिर आपको दूसरा पॉइंट डालना है, एडला इज मोर परसुएसिव देन हर फादर, यानी एडला में मनाने के राजी करने की उसके पिता से ज़्यादा क्षमता है। तो आपको ये दूसरा पॉइंट हमने यहाँ लिखा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ही रिक्वेस्टेड से लेकर कोर्ट तक आपको लिखना है, उसके बाद में इसी में दूसरा पॉइंट आपको लिखना है ये सी टॉक्ड से लेकर, और आपको लिखना है ये सी टॉक्ड से लेकर इन हर तक, यहाँ तक लिख देना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आपके तीसरा पॉइंट आपको डालना है, डॉटर इज मोर काइंड एंड जनरस, उसकी बेटी बहुत ज़्यादा दयालु और उदार थी, यानी कि ये थर्ड नंबर का पॉइंट है। इसमें आपको लिखना है वेन ही सो से लेकर, जो ही की जगह आपको द आयरन मास्टर लिखना है, वेन द आयरन मास्टर सो से लेकर टू प्रिजन तक लिखना है। फिर इसके बाद में यही थर्ड वाला इसी में आपको ये लिखना है, वेन द रियलिटी से लेकर काइंड बिहेवियर तक आपको लिखना है। ये इस तरीके से जब हम लिखेंगे एक साथ करके, मैंने यहाँ समझाने के लिए आपको लाइन खींच कर अलग अलग लिखा है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन आए इनमें अंतर वाला तो ऐसे पॉइंट्स बनाकर लिखना है, आपको मैंने स्क्रीन पर भी समझा दिए हैं। और अगर केवल आयरन मास्टर का कैरेक्टर स्केच आ जाए तो फिर आप एडला वाला पार्ट छोड़कर यहाँ से लेकर लास्ट तक पूरा लिख देना, ये पॉइंट्स आप मत लिखना, सीधा सीधा आप लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने आपके द पेडलर में से, द पेडलर का, द रेट्रेप में से, द पेडलर का, एडला का और द आयरन मास्टर का तीनों के कैरेक्टर स्केच बना लिए हैं और इनसे बनने वाले सभी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। अगले चैप्टर के में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। इसी तरीके से आप लोगों के लिए कम से कम वजन से ज़्यादा आपको मीटर मिले, यही प्रयास है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ज़रूर लाइक करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।